वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट हाउ टू इंसर्ट सैप, रीसाइजिंग एंड रोटेटिंग ए सैप, एडिंग टेक्स्ट टू ए सैप और चेंजिंग डिफरेंट सैप एंड चेंजिंग सैप स्टैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडिफाइंग द सैप फिल कलर, कि कैसे अपन किसी सैप के अंदर है कलर है वो मॉडिफाई करते हैं, कैसे अपन उसको कलर को अपन फिल करते हैं और कैसे उस कलर को अपन चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सेलेक्ट द सैप, द फॉर्मेट टैब अपीयर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट टैब मिलेगा। तो ये आपकी सैप है, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सैप को सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट टैब आपको नहीं मिल रहा है। जैसे अपन सैप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आपको यहाँ पे शो हो जाता है। देन क्या करना है, इन द फॉर्मेट रिबन क्लिक द सैप फिल कमांड टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन। सैप फिल कमांड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ से डिजायर्ड कलर है वो सेलेक्ट करें। चूज नो फिल और चूज मोर फिल कलर टू चूज कस्टम कलर, यहाँ पे आप नो फिल या मोर फिल कलर का यूज भी कर सकते हैं कस्टम कलर के लिए। तो देखिए अपन करते कैसे हैं, सबसे पहले अपन इमेज को अपनी पिक्चर है या सैप्स है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सैप फिल। सैप फिल पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग कलर है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कोई भी कलर मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन भी है। देखिए मोर कलर में आप जो भी आप कलर सेट करना चाहते हो जिस प्रकार का और देन आप जैसे ओके करते हो तो उस टाइप का आपका कलर सेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नो फिल, तो जो कलर रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको एकदम जो वाइट है वो बैकग्राउंड मिल जाएगा। नो फिल कलर पे करेंगे तो ये आपको आपकी सैप है वो इस टाइप से शो। तो ये आपका हाउ टू फिल द कलर इन द पर्टिकुलर सैप। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द सैप आउटलाइन। आप यहाँ पे जो अपनी सैप आउटलाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द सैप, द फॉर्मेट टैब अपीयर, इन द फॉर्मेट रिबन क्लिक द सैप आउटलाइन कमांड टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन मेन्यू। एंड यहाँ पे अपन को क्या करना है, सैप आउटलाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू कैन चेंज द आउटलाइन कलर, वेट एंड वेदर इट इज ए डैश लाइन। यहाँ से आप कलर है, वेट है, डैश लाइन है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आपको ये सैप दे रखी है तो यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन मिल रहा है आपको वही फॉर्मेट के अंदर। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन का कलर कैसा हो वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सपोज दैट मेरे को रेड कलर चाहिए तो आप देख पा रहे हैं आउटलाइन का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसके अलावा इसका वेट है वो मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो देखिए आउटलाइन है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो और भी इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसको कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डैश लाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हो, कैसी आपको लाइन चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। इसके अलावा आप अगेन अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आप यहाँ पे लाइन है वो यहाँ पे ले सकते हैं कि किस प्रकार की डैश लाइन आपको चाहिए। तो ये आपका सैप आउटलाइन को अपन कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग सैप इफेक्ट इन ए सैप। जो सैप इफेक्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट द सैप एंड देन क्लिक द सैप इफेक्ट इन द सैप स्टाइल ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब के अंदर सैप स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको सैप इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ओवर द माउस ओवर शैडो यू विल सी अ लिस्ट ऑफ शैडो प्रीसेट। जैसे आप शैडो पे माउस पॉइंटर को ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। मूव योर माउस ओवर द मेन्यू ऑप्शन टू सी द लाइव प्रीव्यू। यहाँ पे आप अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पे आप जैसे माउस पॉइंटर ओवर करते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पे जो लाइव प्रीव्यू के साथ आपको ऑप्शन मिलेंगे कि जैसे आप अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो आपको वो वहाँ पे प्रीव्यू भी शो कर देगा। जो भी कोई शैडो इफेक्ट होगा उसका प्रीव्यू आपके डॉक्यूमेंट में शो कर देगा। तो देखिए अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें सैप में चेंज कर लेता हूँ। ये आपकी सैप है, इसको अपन कलर है वो यहाँ से अपन कोई भी कलर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये कलर मैंने इंसर्ट किया है। अब अपन यहाँ पर फॉर्मेट टैब के अंदर ऑप्शन मिलता है सैप इफेक्ट का। सैप इफेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे प्रीसेट पे अगर अपन माउस पॉइंटर ओवर करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट आपको मिल जाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू भी शो करेगा। तो देखिए मैं इसको जो आपकी सैप है इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सैप इफेक्ट
अब आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको प्रीव्यू शो हो रहे हैं, ठीक है, ये लाइव प्रीव्यू आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा शैडो में अगर जाते हैं तो शैडो भी अलग अलग टाइप की शैडो आप वो आपको मिल जाएगी। देखिए आप अलग अलग शैडो है वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन है वो भी आप देख पा रहे हैं, कैसा आपको रिफ्लेक्शन चाहिए। तो जो आपको जैसा आपको पसंद हो वैसा आप यहाँ पे इफेक्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। इवन 3D के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलता है अलग अलग जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये आपका सैप इफेक्ट। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर एंड सिंबल। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? द सिंबल कमांड बटन इज प्लेस इन द सिंबल्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल ग्रुप के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? सिंबल कमांड का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कहाँ मिलेगा, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ पर आपको लास्ट के अंदर मिल रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंबल्स का ग्रुप मिल रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंबल ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये आपका सिंबल ऑप्शन है। देन अपन को क्या करना है, क्लिकिंग द सिंबल कमांड बटन लिस्ट सम पॉपुलर और रिसेंटली यूज सिंबल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी रिसेंटली यूज है, जो पॉपुलर है, वो सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा चूजिंग मोर सिंबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले द सिंबल डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करके आप अलग अलग जो सिंबल है उसका डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा, अलग अलग आपको सिंबल यहाँ पे शो हो जाएंगे। सेलेक्ट द सिंबल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। आप जो सिंबल को सेलेक्ट करें और इंसर्ट बटन पे क्लिक करें। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंबल के अंदर, सिंबल के अंदर यहाँ पर अगर मेरे को जनरल सीधा आपको सिंबल इंसर्ट करना है तो वो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको डायलॉग बॉक्स से करना है तो आप यहाँ पर जाएं, मोर सिंबल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि देखिए अलग अलग जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के सिंबल है वो आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर है वो शो हो जाएंगे। और इवर आप किसी को भी जो आप चाहते हैं देन आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट मैं यहाँ पर जो 19 है इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ एंड इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 है वो शो हो गया। इसके अलावा मेरे को ऐसा कोई सिंबल चाहिए एरो का साइन, देन मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया इंसर्ट किया तो एरो का साइन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी सिंबल है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जो आपको MS Word है वो इनबिल्ट जो सिंबल देता है, इट मीन्स वो प्रोवाइड करता है उनमें से, ठीक है। तो ये आपका कि कैसे अपन सिंबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।